सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं मकानिया। तो भाई फ्रेम में दिख रही है आपको कारपेट, बताओ कारपेट। कारपेट भाई इसका 2200 किलो है, इसका 1200 किलो है। तो कारपेट भी आपको पहले ही बता दिया मैंने। तो भाई दोनों की रेस करने वाले हैं, स्कॉर्पियो एन और होंडा BRV। तो भाई फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे, और ये टर्बो का बैज है भाई, नकली है ऐसी लगा हुआ है, टर्बो वाले को समझना है इसको। इसमें भी वही सेम होंडा सिटी वाला इंजन आता है, 1.5 लीटर एन इंजन, जो कि 118 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 145 तो फ्रंट से देख लो, दोनों को फ्रेम में भी देख लो, 25 लगते हैं भाई एन के आगे तो। और भाई एन में 2.2 लीटर का डीजल इंजन है, 175 हॉर्स पावर है, 400 Nm टॉर्क है, 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर आता है इसमें। ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, ये रियर व्हील ड्राइव है, प्रॉपर SUV है ये, और ये MPV कह सकते हो भाई इसको। होंडा वालों ने तो वो बोला था कि SUV पर MPV के अकॉर्डिंग ये भाई है। तो देखते करते ड्रैग, वेट में देखो काफ़ी फर्क है, पर पावर भी ज़्यादा है अपनी एन की। बाकी पूछते हैं क्या लग रहा है एन के ओनर भाई, एन 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 हाँ जी, BRV लग रही है। BRV आपको भाई, भाई अतीशा भाई आप कौन सी कार में बैठोगे, BRV में? BRV चलाने के ऊपर। तो भाई BRV ओनर से मिलते हैं, कैसे हो भाई? भाई भाई का भी YouTube चैनल है, किस नाम से? RMS मोटर कॉन्सेप्ट। तो भाई भाई को जरूर सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो भाई कौन सी लग रही है आपको? स्कॉर्पियो एन लग रही है। एन लग रही है आपको, ये बट देखते बाकी क्या होता है। वेट बहुत ज़्यादा है एन में, पर तो पावर भी ज़्यादा है, बाकी देखते पावर टू वेट रेशियो खेल करेगा अपनी BRV में कि नहीं करेगा, क्योंकि हम भी पहली बार कर रहे हैं BRV के साथ, तो इतना आइडिया नहीं है कि किस हिसाब से भागती है। इसमें होंडा सिटी वाला इंजन ही, पर देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। 1.5 एन 5 स्पीड पर तुषार नहीं आया, JDM वो अभी SUV है ना, JDM लवर नहीं आया। चलो भाई करते ड्रैग स्टार्ट और आपको दिखाते हैं रिजल्ट। तो गाइस आ गए पहले राउंड में, और जो है अपना ट्रैक्शन ऑफ कर लिया, जैप मोड है और AC ऑन है अभी। ओके अभी इतनी फुल पोटेंशियल भी नहीं कर रहा मैं, हैं शीशा खराब है ऐसे बात। ओहो रिलायबिलिटी लेफ्ट द चैट भाई। देखो अभी जैप मोड है, ट्रैक्शन ऑफ है, AC ऑन है, ठीक है, नॉर्मल मोड है। मतलब तीन जने दो जने ही बैठो, कोई मोड है ही नहीं उसमें, रॉ है वो तो। एसी ऑन है ना, काम भी ऑन है। एसी ऑन कर लो अभी, GoPro भी लग रहा। 3 2 अरे पता ही नहीं लगा यार भाई, लॉन्च तो बड़ी सही होगी वो भाई, बनी हुई है स्कॉर्पियो, ये स्कॉर्पियो गई आगे। ओ चौबर ते चेहरे होते नूर दसदा नहीं है वा, तू गजब वाली चीज ना जाए मिट्टी है भाई लॉन्चिंग डिले होगी, पता ही लगा ये पिलर के चक्कर में दिखाई। हाँ अब आरब करेगा ना, करते हैं अब मैं जूम मोड डाल लेता हूं। हमारी बाइक का मतलब लिमिटेड रेट होता है, जब आप इतना कार निकले ना, मतलब पूरा कवर कर रही थी। कोई नहीं अब मैं जूम मोड डाल लेता हूं, आप जूम मोड डाल लो, हम AC ऑफ कर लो, AC ऑन ही रखो अभी, मेरे भी ऑन। हां जी अब जूम मोड है, AC ऑन है, ट्रैक्शन ऑफ है, आपका AC ऑन ही है अभी, सेम सेटिंग्स है, सेटिंग्स क्या है, AC तो ऑन है। चलो जी कर 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 2 1 ये अपनी लॉन्चिंग बिल्कुल साथ, अब नहीं आएगी, साइड मिरर नहीं है बिल्कुल, ज्यादा पीछे नहीं है, पर पीछे तो पीछे ही है भाई, बट बनी हुई है यार। अरे ये आ रही है क्या? अरे भाई ये आगे से रही है ना जी, अरे आ गई ये तो। ओ भाई ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लो, आ गई भाई। 140 50 तक भी नहीं आ रही, ओ ब्रेक नहीं लग रही क्या उसकी? अबे ब्रेक नहीं लग रही क्या उसकी? एक सौ चालीस पचास तक भी नहीं आ रही है तो यार बाद में करेंगे, पहले गाड़ी हटाओ, ब्रेक हट, बैठ के हमारा शीशा खराब है वाला, आगे नैरो कर दिया इतना भाई, वो तो ठीक है। ब्रेक इतनी लेट क्यों ली?
150 के बाद पकड़ती है मतलब है ना, पोटेंशियल होगा ना तो वो तो वेट कम है तो जाएगी फिर तो आगे। तेरा होंडा पे हाथ सेट है अभी, ऐसा करना आपकी बारी स्वैप कर ले भाई को, एक बारी एन में आने दे, टू में इसमें बैठेंगे। आजा एक बार तो फेयर करो, सिक्स स्पीड है। अच्छा एसी ऑफ कर ले, मैं भी एसी ऑफ कर लूँ, ठीक है चलो। तो भाई अब जूम मोड है, एसी ऑफ है, ट्रैक्शन ऑफ है, फुल पोटेंशियल है, उसका भी एसी ऑफ कर दिया हमने। चलो जी, हाँ डन, 3 2 1 ओ भाई ये अतीश है भाई का लॉन्च हो आ गई भाई वो। नहीं 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 नहीं, अरे अतीश है भाई, ओ भाई ऐसी थोड़ी ना सब, अरे आ गई, अरे आ गई आफ्टर 120 पे आई है, बट ड्राइव ना रहेगी सी हो गई, शायद खतर खतर पोटेंशियल तो है इसका, भी अच्छा यार भाई। नहीं वो आ गई है, आ गया है बस ब्रेक में। बटीशे भाई ने बहुत अच्छी चलाई भाई, आप भाई बिल्कुल विंड डीजल वाले मोड में आते हो ड्राइव करते टाइम, बिल्कुल ये शिफ्टिंग क्रेजी शिफ्टिंग। 3 मिनट बुलाओ भाई भाई मेरी तो वीडियो ही बंद हो गई थी, मेरे को तो आपसे लेनी पड़ेगी। पर ये राउंड में अब ड्रैग में तो नहीं थी, क्यों 120 पे आपने क्रॉस करी है, 120 पे आप साथ आए हो, 140 तक होती है ना, ये तो 140 तक होती तो यही तो जीत गई। चलो हाँ रोलिंग करनी है, नहीं नहीं यहाँ से एक ड्रैग करो, ड्रैग ही हाँ ठीक है भाई। गाइस फिर से कर रहे हैं स्टार्ट, और ये अरे एसी ऑन रह गया था यार। अबे यार एसी ऑन है, क्या वो ब्रेक क्यों मार ली, गियर अटक गया इसका शायद, तो एसी ऑन रह गया था मेरा भी, क्या हो गया अटक गया, चल कोई नहीं मेरा भी एसी ऑन रह गया था। यहीं से यू टर्न कर ले, वहां से आए दोबारा या यू टर्न करके पीछे से ही आ जाते। चल भाई चल, अब तो निकल गई बियर भी आ गई, अब तो ले गया तीसरे, पता नहीं भाग ही नहीं रही पहले की तरह, तो भाग ही नहीं रही आ रही है। जी जी भाई बीआरवी है इस राउंड की विनर, और बढ़िया मार्जिन से जीत रही थी इस बार। तो गाइस कर रहे हैं अपना फाइनल राउंड सिंगल सिंगल, एक एक जना बैठे दोनों गाड़ी में। अबे आदमी है पजामा है। तो देखो भाई अब कौन सी जीतती है, अभी तो दोनों बराबर चल रही हैं, पर अब एन का लग गया है फोर्थ गियर, और अब एन चली जाएगी आगे, आगे चली गई एन, आगे जा रही है एन बहुत बढ़िया तरीके से, और करवा गया है हमने, ले ली है ब्रेक। चलो जी सिंगल सिंगल में भी देख रहे हो आप एन जी, पर वो आगे आ रही थी वो, क्योंकि भाई लाइट वेट है, पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा होगा, पेट्रोल वाली है, पर अपनी एन आगे रहती है ड्रैग में, तो देख सकते हो सिंगल सिंगल में तो भाई जीत गई यार, मजा आ गया जी। एन विनर है ना कर आ गया, तो मैंने ब्रेक ले ली थी, यहां से रोलिंग कर लो, आप ही रिकॉर्ड कर लो, आप से ले लेंगे रोलिंग करे हां रोलिंग हां ठीक है, तीन वाला आप ही दे दो ठीक है। चलो फर्स्ट गेट 20 चल, चलो जी रोलिंग करते हैं।
रोलिंग में तो भाई रोलिंग में निकल गई भाई रोलिंग में आ गई। बराबर सी रहती है तो देख सकते हो हल्का सा भाई बोनट से आगे थी बस हैंड रोलिंग में ये है। बाकी वो भाई 130-140 के बाद ना वो निकल जाती है क्योंकि वो लाइट वेट है और एरोडायनामिक थोड़ी ज्यादा है बस ये फर्क है। जीत गए भाई सिंगल में स्कॉर्पियो जाते हुए भी जाते हुए जीत गए। आते वक्त तो रोलिंग कर रहे थे अच्छा। रोलिंग में बोनट गैप से आगे थी पर हम आप लोग खड़े थे हटे ही नहीं आप बात करने में इतने व्यस्त थे। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि भाई बीआरवी और एन का बहुत अच्छा कंपटीशन रहा क्योंकि भाई एक तो ये लाइट वेट है एरोडायनेमिक ज़्यादा है उस तरफ भाई इसमें पावर ज़्यादा तो उसने वो दिखाई जो इसका 400 Nm टॉर्क है कि भाई ड्रैग रेस में तो जीत रही है रोलिंग में निकल रही है आगे क्योंकि भाई लाइट वेट है पोटेंशियल इसका ज़्यादा कहीं क्योंकि भाई होंडा सिटी वाला इंजन है वही 1.5 वाला और थोड़ी एरोडायनेमिक ज़्यादा है क्योंकि लो भी है। और भाई ये देखो कितनी ऊँची है और ये देखो दोनों की हाइट में भी कितना फ़र्क है तो भाई ये इनका फ़र्क है। बाकी ड्राइव में तो अपनी एन जीत जाती है बाकी आपने देखा ही है हमने सिंगल भी करके देख ली कि चल यार सिंगल कर लेते हैं क्योंकि दो जने बैठे रिजल्ट सही नहीं आ रहा था कभी कुछ हो रहा था कभी कुछ हो रहा था तो यही कुछ फ़र्क था इनका वीडियो का मतलब ड्रैग का। तो वीडियो अच्छी लगी तो पता क्या कर देना लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना अपने चैनल को। तो ठीक है मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में और एन की और वीडियो अब लाता रहूँगा पहले बलेनो वाली ला रहा था एन की लाता रहूँगा बीच में बलेनो की आएगी कोई बढ़िया गाड़ी तो उसके साथ भी करता रहूँगा। ठीक है मिलते जल्दी अगली वीडियो।